मैं डीएस बाबू और अपना डीएस बाबू व्लॉग चैनल में आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आज चलिए गर्म पानी आया हूं और आज का वीडियो जबरदस्त इंटरटेनमेंट बनने वाला है, इंटरेस्टिंग बनने वाला है। तो आज मैं आपको गर्म पानी का 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराने जा रहा हूँ। तो जितना भी भक्त लोग हैं आप तैयार रहें, वीडियो बने रहें, क्योंकि आपको 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन घर बैठे कराने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन घंटी को दबा दें और सब्सक्राइब कर लें और चलते हैं अंदर में, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहें, आइए चलते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूं और जा रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने। तो सभी भक्त प्रणाम कर लें और वीडियो को पहले से ही लाइक कर लें, क्योंकि आपको घर बैठे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन होगा, वो भी गर्म पानी में। तो आइए चलते हैं। तो आज का वीडियो जो है बहुत मजेदार बनने वाला है। तो हम लोग बहुत ही टाइम निकाल कर फुर्सत से आए हैं यहाँ गर्म पानी तथा पानी में 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने और ब्लॉग्स वीडियो बनाने। तो यहाँ से मैं प्रवेश करता हूँ और आइए देखते हैं 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे सामने बाबा जी बैठे हुए हैं। तो पहले नंबर में बाबा जी का प्रणाम वनाम करते हैं, इसके बाद 12 ज्योतिर्लिंग का आपको दर्शन कराएंगे। प्रणाम बाबा जी। तो जैसे कि मैं बाबा जी के पास आशीर्वाद ले लिया हूँ और प्रसाद भी ले रहा हूँ, तो आप लोग बने रहे हमारे साथ। तो चलिए मैं प्रसादी भी खा लिया हूँ और अब चलते हैं 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने। तो आइए हमारे साथ बने रहे, क्योंकि मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ से आपको वीडियो में सॉलिड नजर आएगा कि देखिए यहाँ पे जितना भी लिंग है उन्हीं लिंग को बोला जाता है 12 ज्योतिर्लिंग। शिव जी का अनेक रूप है, अनेक रूप में विराजमान है, हर जगह है। तो आज का जो वीडियो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजेदार और बहुत ही परिश्रम से मेहनत से मैं बनाने आया हूँ दोस्तों आप लोग के लिए। तो इस वीडियो को बिना भगा लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सके कि इस वीडियो के माध्यम से आप दर्शन करेंगे शिव जी का तो वहां से भी आपको पुण्य मिलेगा और करना भी चाहिए। यदि आप हिंदू हो तो प्लीज इस वीडियो को बिना भगा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो ये दर्शन कराने हैं, ये 12 ज्योतिर्लिंग का थोड़ा जूम करके दिखाना है। तो देखिए यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग को आपको दिखाया जा रहा है, बहुत ही सुंदर लिंग है। यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग तत्तापानी में स्थापित हो चुका है, जो कि इससे पहले कहीं नहीं था, बैजनाथ धाम में था। बैजनाथ धाम में लोग जाते थे सावन के महीने में, पूरा एक भर सावन जल चढ़ाते थे। यही वाला लिंग वहाँ पे भी स्थापित है बैजनाथ धाम में और दूसरा तत्तापानी। तो यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है, आप देख सकते हैं। और यदि आप कहीं से हैं तो आप दर्शन भी कर सकते हैं यहाँ पे आकर। 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने से पूरा मनोकामना पूरा हो जाता है, पूरा श्रद्धा से लोग यहाँ आते हैं, उनका मनोकामना पूरा होता है यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम है तत्तापानी। तत्तापानी में गर्म पानी का भी बहुत ही बड़ा प्रभाव है, यहाँ पे बाहर से आए रोग दुख दुखियारी लोग का भी दुख दूर हो जाता है, बड़ बीमारी सभी लोग ठीक हो जाते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में मैं आपको फटाफट दर्शन करता हूँ, नाम बताता हूँ। तो ये है श्री महाकाल। श्री महाकाल जी को देखिए किस प्रकार का मंदिर है, और जितना भी यहाँ पे मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ सारे चीज को आप देख चुके हैं। लिंक के जो लिंक लगा हुआ है स्थापित है उसी लिंक का नाम है यहाँ पे, ये बड़ा बैकग्राउंड में आपको दिखा रहा हूँ। श्री महाकाल जी मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला में ये पड़ता है। तो चलिए श्री महाकाल जी को प्रणाम कीजिए और आगे दिखाते हैं, क्योंकि कम समय में ज्यादा टाइम लेंगे, आप लोग जाइएगा मत, क्योंकि आप ही लोग के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए अब दिखाते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो। श्री महाकाल जी को आप देख चुके हैं, अब यहाँ पे देखिए श्री ओमकारेश्वर। श्री ओमकारेश्वर जी जो कि मध्य प्रदेश खड़वा जिले में नर्मदा नदी के मध्यांचल द्वीप पर ओमकारेश्वर और ओमकारेश्वर नाम से मंदिर स्थित है। मतलब इतना पढ़ने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं वीडियो में, आप पढ़ भी सकते हैं कि श्री ओमकारेश्वर जी है, इनको भी प्रणाम कीजिए। और मैं वीडियो लिंक है जो यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है उसी लिंक में एक लिंक होता है। तो चलिए आगे दिखाते हैं, तो हमारे साथ बने रहे और आइए हमारे चैनल में लगे ये रहा। और जो मैं अभी दिखाने जा रहा हूँ श्री बैजनाथ।
श्री बैजनाथ धाम, उसका नाम हर कोई सुना है बैजनाथ धाम का, क्योंकि हर कोई जल चढ़ाते थे बैजनाथ धाम में, सावन में एक महीना कंटिन्यू जल चढ़ाता है, जाते हैं वहाँ भी बैजनाथ धाम में भी 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है। तो आज हमारे अहमदाबाद में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित है, जैसे कि श्री बैजनाथ धाम में एक धाम होता है। तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं श्री भीमा शंकर जी। श्री भीमा शंकर जी भी शिव जी का एक रूप है, जो कि उनका लिंग के रूप में स्थापित है, एक का मंदिर है। तो चलिए श्री भीमा शंकर जी का भी दर्शन कर लिया हमने, अब आगे आते हैं, आगे देखते हैं। ये रहा एकदम कम टाइम में रहे दोस्तों, आप कहीं जाइएगा मत, वीडियो को बिल्कुल मत भगाइए, क्योंकि बार बार आपको ये वीडियो देखने के लिए नहीं मिलेगा, मेरे चैनल से ही ऐसा वीडियो देखने के लिए मिलेगा, इसलिए वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो ये है श्री रामेश्वर जी, जैसे कि अभी मैं 3-4 धाम दिखा चुका हूँ, और ये रामेश्वर धाम आप नाम सुने होंगे, गए भी होंगे, बहुत ही अच्छा जगह है। तो ये रामेश्वर जी का मंदिर है इस प्रकार से। तो चलिए आगे मैं वीडियो में बढ़ता हूँ और आगे देखता हूँ कि आगे क्या है। तो आइए आप बने रहें, वीडियो कहीं काट नहीं रहा। ये रहा दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, ये देखिए बहुत ही अच्छा श्री नागेश्वर जी, ये कहाँ पे स्थित है वो आपको दिखाने के लिए मिल जाएगा कि कहाँ पे स्थित है। तो ये गुजरात द्वारिका पुरी में 17 किलोमीटर की दूरी पर दारुकावना में स्थित है, ये क्लियर लिखा हुआ है, जितना भी मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ हर चीज लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं वहाँ भी कि कहाँ पे कौन मंदिर स्थित है, कौन सा लिंग स्थित है। तो चलिए अब मैं दिखा रहा हूँ आगे, आगे बढ़ता हूँ और आगे वीडियो में दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए सामने है श्री विश्वनाथ धाम, मतलब श्री विश्वनाथ धाम, जैसे कि अभी श्री विश्वनाथ धाम का मैं लिंग के रूप में भी आपको दर्शन करा चुका हूँ। तो ये यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी नगर में गंगा नदी के तट पर यह ज्योतिर्लिंग स्थित है, यह ज्योतिर्लिंग गंगा नदी के तट पर स्थित है, जो कि उत्तर प्रदेश के राज्य में है। तो चलिए अब आगे मैं और दिखाता हूँ आपको 12 ज्योतिर्लिंग का, मैं फटाफट दर्शन कराता हूँ, आप बने रहे हमारे साथ। तो ये देखिए एक लिंग और श्री त्र्यंबकेश्वर, श्री त्र्यंबकेश्वर जी ये भी एक लिंग है, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में स्थापित है। ये कहाँ पे महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में सह्याद्री पर्वत के गोद में गोदावरी, गोदावरी यानी जिसको गौतमी भी बोलते हैं, गोदावरी को इसलिए बोलते हैं गौतमी लिंग है। नदी के उद्गम स्थल पर ऋषि गौतम और गोदावरी की उपासना से भगवान शिव की इस स्थान पर त्र्यंबकेश्वर नाम से वो वास करते हैं, मतलब इनका वहाँ पे स्थान है, वहाँ पे निवास करते हैं शिव जी। और चलिए मैं आपको दिखाता हूँ श्री केदारनाथ धाम, श्री केदारनाथ धाम को आप बहुत सुनेंगे, बहुत भीड़ लगता है वहाँ पे, बहुत भक्त जाते हैं। तो ये ना श्री केदारनाथ धाम का ये जो आपको दिखाई दे रहा है श्री केदारनाथ धाम, इसी प्रकार दिखाई देता है। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये भी लिखा हुआ है कि उत्तराखंड राज्य के मंडल के रुद्रायक्ष जिले में केदार पर्वत मंदिर मिनी मंदाकिनी नदी के तट पर श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो मतलब आप केदारनाथ को भी दर्शन कर चुके हैं, तो आइए अब आपको मैं और दर्शन कराता हूँ। तो ये रहा केदारनाथ का दर्शन कर चुके हैं, आप देखिए श्री श्री कृष्णेश्वर जी का ये मंदिर है, इस प्रकार का मंदिर है, देखिए बहुत ही सुंदर है, बहुत देखने में बहुत जबरदस्त है। तो इनका भी आप दर्शन करें, और चलिए मैं आगे वीडियो दिखाता हूँ। तो चलिए जैसे कि मैं दिखाता है हम आपको सभी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराने का वादा किया है मैं। तो एक ज्योतिर्लिंग आपका देखिए श्री सोमनाथ, श्री सोमनाथ जी अभी नाम सुने होंगे आप, सोमनाथ मंदिर का नाम सुने होंगे, वहाँ बहुत बहुत कांड भी बहुत होता है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे स्थित है, ऋग्वेद के अनुसार पश्चिम भारत के गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र क्षेत्र में बेरावल बंदरगाह पर स्थित इस मंदिर का निर्माण चंद्रदेव द्वारा कराया गया था, मतलब इसका स्थान कहाँ पे है, कैसे करके कराया गया था वो आपको दिखा दिया मैं। और चलिए वीडियो में आप मास्क पहने हैं तो आपको वीडियो में दिखाने जा रहा हूँ। और यहाँ पे मैं वहाँ पे दर्शन करा चुका हूँ, यहाँ श्री मल्लिकार्जुन, श्री मल्लिकार्जुन भी एक लिंग भी है, शिव जी का ही है। तो ये कैसे है, कहाँ पे है, इसका यहाँ पे पूरा विवरण लिखा हुआ है, आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले के नलकमला वन क्षेत्र की श्री सेमन पहाड़ी पर स्थित है, इसका ज्योतिर्लिंग की आराधना श्री मल्लिकार्जुन नाम से की जाती है, मतलब इनको आराधना इनके नाम से किया जाता है, जो लिखा हुआ है यहाँ पे जो मैं बताया। तो चलिए आज जितना भी लिंग था मैं सभी का दर्शन करा दिया, 12 ज्योतिर्लिंग का आपको दर्शन करा दिया हूँ, आप घर बैठे वीडियो देखिए और 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें ताता पानी में। और संक्षेप में मैं एक ही डायग्राम में आपको सारी ज्योतिर्लिंग का 2 मिनट में आपको दर्शन कराता हूँ, तो आप 1 सेकंड के लिए बने रहें।
तो जैसे कि मैं बोला था कि 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराऊंगा, तो वीडियो में बहुत लोग होंगे जो कि कह रहे हो कि 12 ज्योतिर्लिंग बोला था, कैठे ना कैठे बता दिया, पता नहीं चला। तो मैं 12 ज्योतिर्लिंग का एक साथ दर्शन करा रहा हूँ। जैसे कि सोमनाथ मंदिर जी यहाँ पे है, श्री बैजनाथ जी यहाँ पे है, श्री विश्वनाथ जी यहाँ पे है, तीन हो गया, श्री मल्लिकार्जुन जी यहाँ पे है, श्री भीमा शंकर यहाँ पे है, श्री प्रेम रतन केशवर जी भी यहाँ पे है, श्री महाकाल जी यहाँ पे है, श्री रामेश्वर जी यहाँ पे है, श्री केदारनाथ जी यहाँ पे है, श्री ओंकारेश्वर जी यहाँ पे, श्री नागेश्वर जी और श्री गिरिशनाथकेश्वर जी। आप गिनेगा तो करेक्ट 12 होगा। मैं गिन के दिखा रहा हूँ, आप बने रहे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 करेक्ट 12। यानी कि 12 ज्योतिर्लिंग का मैं दर्शन करा दिया संक्षेप में। तो चलिए आप थोड़ा सा जूम करके इसको ले ले भैया, वीडियो में आप देख सकते हैं कि हाँ सच में जो जितना मैं वीडियो दिखाया हूँ वो सारी चीज यहाँ पे स्थित है या नहीं है। ये ताता पानी का वीडियो है जो कि अपना छत्तीसगढ़ में होता है, बलरामपुर जिला में पड़ता है, बहुत ही सुंदर। तो चलिए दोस्तों, आज का ये जो ब्लॉग्स वीडियो था डीएस बाबू ब्लॉग्स, तो इस वीडियो में इतना ही आज के लिए, क्योंकि बहुत ही लंबा वीडियो बनाया हूँ, लेकिन बहुत ही अच्छा कम टाइम में मैं आपको पूरा दर्शन कराया हूँ। तो मेरा एक और यूट्यूब चैनल है डीएस बाबू ऑफिशियल, तो आप डीएस बाबू ब्लॉग्स और डीएस बाबू ऑफिशियल दोनों चैनल में अपना प्यार दुलार दर्शाइएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हमारे चैनल में यदि आप नए हैं तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि आप भी महादेव को मानते हैं, शिव जी का भी भक्त हैं, तो उसको जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो और हमारा वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, ताकि जो भाई लोग नहीं वीडियो देख पाए हैं वो भी मेरा वीडियो देखें और घर बैठे 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। मैं डीएस बाबू, सभी भाई लोग को लव यू।